हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वाम फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का, जो कि जेई कप 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन एंड मोसेस। नेक्स्ट है, द पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम मोटर कार्स विच कॉजेस मेंटल लाइन इलिनेस इज NO2, SO2, PB या HG। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PB। अगला सवाल दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट बिकॉज इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस, डीएक्टिवेट्स द नर्व्स या कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, इज द मेन एयर पोल्यूटेंट ऑप्शन ए CO, CO2, N2 या सल्फर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO। नेक्स्ट है, द मेजर एयर पोल्यूटेंट इन सिटीज लाइक मुंबई एंड कोलकाता इज CO एंड SO2, हाइड्रोकार्बन, एल्गी बैक्टीरिया या ओजोन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO एंड SO2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट एन एटमोस्फेरिक पोल्यूटेंट, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, द गैसेज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज आर CO2, O2, NO2, NH3 या CFC, CO2, NH3, N2, CH4, N2, CO2, NH3 या CFC, CO2, CH3, CH4, NO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CFC, CO2, CH4, NO2। अगला क्वेश्चन है, विच गैस कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रीन प्लेनेट इफेक्ट ऑन अर्थ। आपको ऑप्शन ए फेरोन, बी मिथेन या CO2 या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर सी, CO2। नेक्स्ट है, द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन मेट्रोपोलिटन सिटीज इज ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव प्लांट्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स, इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक व्हीकल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन टू फॉर्म अ पॉइजनस सब्सटेंस इन द ब्लड। ऑप्शन ए CO2, CH4, CO2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। आपको ऑप्शन ए प्लास्टिक, पॉलिथीन, मरकरी या रबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबर। नेक्स्ट दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन ए मरकरी, सीबेज, प्लास्टिक या एस्बेस्टोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीबेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स काउज नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज इन ह्यूमंस। और आपको ऑप्शन है ए लीड, कैडियम, मरकरी या सिलिका। तो दोस्तों, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस एंड काउजेज हार्ट डिजीज। और आपको ऑप्शन है मरकरी, लीड, कैडमियम या कॉपर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। अगला क्वेश्चन है, द काउज ऑफ आयरन डिफिशियंसी डिजीज इन वर्कर्स वर्किंग इन आयरन माइंस इज लीड, मरकरी, कैडमियम या सिलिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिका। नेक्स्ट है, CO2 इज फॉर्म्ड इन द एटमोस्फेयर मेनली फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, रिस्पायरेशन ऑफ लिविंग बींग्स, बाय द एक्शन ऑफ सबटाइटल जोबाज, फैक्ट्री स्मोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्पायरेशन ऑफ लिविंग बींग्स। नेक्स्ट है, ताजमहल इज गेटिंग डैमेज्ड। और आपको ऑप्शन है ड्यू टू फ्लड इन यमुना, डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल एट हाई टेम्परेचर, एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम मथुरा ऑयल रिफाइनरी या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम मथुरा ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट है, इट इज सेड दैट ताजमहल इज सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर, वॉट इज द मार्बल कैंसर। आपको ऑप्शन है स्मोक फिलिंग द ताजमहल फ्रॉम नियर बाई इंडस्ट्रीज, अ लार्ज नंबर ऑफ फंगी ग्रोइंग इन द मार्बल ऑफ ताजमहल, एसिड ड्रेन विच कोडेड मार्बल या डी
येलोइंग ऑफ मार्बल ड्यू टू सूट पार्टिकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिड रेन विच कोट्स मार्बल। नेक्स्ट है ओजोन लेवल प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर, और ऑप्शन रिड्यूसेस द पेंट्रेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, या कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, CO इज रिप्लेस्ड बाय CO2, या इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूसेस द पेंट्रेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। नेक्स्ट है द मिनी माटा इपिडेमिक विच किल्ड मेनी पीपल इन जापान इन 1965 वाज कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन, तो लीड, मरकरी, फ्लोराइड, एडिडिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू मेजर वाटर पॉल्यूशन। आपको ऑप्शन है बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड, एंड ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोकेमिकल, सॉरी बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है दोस्तों कंटेन्स DDT। ऑप्शन है एनीबायोटिक, बायोडिग्रेडेबल पोलुटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पोलुटेंट्स, या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोडिग्रेडेबल पोलुटेंट्स। नेक्स्ट है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन काउज। ऑप्शन है लंग कैंसर, ओरल कैंसर, स्किन कैंसर, या लिवर कैंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किन कैंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ वाटर पॉल्यूशन कंटिन्यूज एट द करंट रेट इवेंचुअली, आपको ऑप्शन है द रनिंग साइकिल विल स्टॉप, रेन विल स्टॉप, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बिकम अनअवेलेबल टू एक्वेटिक प्लांट, या नाइट्रेट विल बिकम अनअवेलेबल टू वाटर प्लांट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बिकम अनअवेलेबल टू एक्वेटिक प्लांट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज वाटर पॉल्यूशन मेजर्ड इन रिवर्स, और आपको ऑप्शन है फ्रॉम द डिजोल्व अमाउंट ऑफ CL2, फ्रॉम द डिजोल्व अमाउंट ऑफ O3, डिजोल्व अमाउंट ऑफ N2, या फ्रॉम द डिजोल्व अमाउंट ऑफ O2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम द डिजोल्व अमाउंट ऑफ O2। अगला क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डज नॉट पोल्यूट द एयर, और ऑप्शन है CO2, CO, NO2, SO2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CO2। अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मोग इज द रिजल्ट ऑफ दिस कॉमन एक्शन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NO2, O3 एंड परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगला सवाल दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हीकल पॉल्यूशन, और आपको ऑप्शन है H2, CO, NO2 या SO2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, CO2, सॉरी H2। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, और आपको ऑप्शन है कोल, न्यूक्लियर, पेट्रोल या सोलर। जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलर। अगला सवाल दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग काउज मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन, और आपको ऑप्शन ए हैवी ट्रक ट्रैफिक, बी इलेक्शन मीटिंग, सी पॉप्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट फ्लाइट। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।